साथियों शुरुआत में किसान रेल साप्ताहिक थी कुछ ही दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब सप्ताह में तीन दिन ये रेल चलानी पड़ रही है सोचिए इतने कम समय में सौवीं किसान रेल ये कोई साधारण बात नहीं है यह स्पष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है साथियों यह काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार हैं किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सके उसमें किसान रेल और कृषि उड़ान इसकी बहुत बड़ी भूमिका है मुझे बहुत संतोष है कि देश के पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि उड़ान से लाभ होना शुरू हो गया है ऐसे ही पुख्ता तैयारियों के बाद ऐतिहासिक कृषि सुधारों की तरफ हम बढ़े हैं साथियों किसान रेल से किसान को कैसे नए बाजार मिल रहे हैं कैसे उनकी आय बेहतर हो रही है और खर्च भी कम हो रहे हैं मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है ये स्थिति बहुत दुखदायी होती है किसान अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखता है असहाय होता है लेकिन अब नए कृषि सुधारों के बाद किसान रेल की सुविधा के बाद उसे एक और विकल्प मिला है अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है वो फलों और सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी का भी लाभ ले सकता है भाइयों और बहनों किसान रेल की एक और खास बात है ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है यानी इसमें फल हो सब्जी हो दूध हो मछली हो यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन की अनेक समस्याएं हैं एक तो इसमें समय बहुत लगता है सड़क के रास्ते भाड़ा भी अधिक होता है किराया ज्यादा लगता है यानी गांव में उगाने वाला हो या फिर शहर में खाने वाला दोनों को ये महंगा पड़ता है अब जैसे आज ही जो ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए निकली है इसमें महाराष्ट्र के अनार अंगूर संतरे और कस्टर्ड एप्पल जिसको कई जगह पे सीताफल भी कहते हैं ऐसे उत्पाद भेजे जा रहे हैं ये ट्रेन करीब करीब 40 घंटे में वहां पहुंच जाएगी वहीं रोड से 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी दूरी तय करने में कई दिन लग जाते हैं इस दौरान ये ट्रेन बीच में कई राज्यों के बड़े स्टेशनों में भी रुकेगी वहां भी अगर किसान को कोई उपज भेजनी है या वहां भी कोई ऑर्डर उतारना है तो उसको भी किसान रेल सेवा देती है उस काम को भी पूरा करती है यानी बीच में भी अनेक बाजारों तक किसान रेल किसान का माल पहुंचाती भी है और उठाती भी है जहां तक भाड़े की बात है तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगभग 1700 रुपए कम है 1700 रुपए किसान रेल में तो सरकार पचास प्रतिशत छूट भी दे रही है इसका भी किसानों को लाभ हो रहा है